और आज एक बहुत स्पेशल डे है, आज है मम्मी का जन्मदिन, बर्थडे गर्ल। और आज मेरा जन्मदिन है, आप सबसे बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देना। कैसे खुश हो रहे भाई, ऐसे हंस रहे ना दोनों, देखो बेस्ट फ्रेंड। मम्मी कहती थी ना मम्मी को बेटी चाहिए थी, तो भाई मम्मी तो वो बेटी की कमी पूरी करती है मेरी। वही हो रखा है ना, तक इनकी बारी आती कितने दिनों बाद मिल रहे, सालों बाद। हाँ, सालों बाद। लोगों को मैं केक दिखाता हूँ, स्पेशल केक लेके आ रखे हैं और बहुत ही सुंदर केक है। इसको केक नहीं मिलेगा भाई। हैप्पी बर्थडे बॉल, हैप्पी बर्थडे आंटी बोला हैप्पी सपना, चल हैप्पी बर्थडे बोल दूध के लिए। नहीं भाई, इसको केक नहीं मिलेगा, काटते हैं केक। हैप्पी बर्थडे बोलना है तो दो बार के दोनों बार बोलना पड़ेगा। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। और यहाँ देखिए आंटी ने केक भी लगा दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो भाई फेशियल भी हो गया बर्थडे गर्ल का। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यंकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेथी है। हो गए नए दिन की शुरुआत मेरे साथ देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो कैसे हैं आप सब लोग, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक बहुत स्पेशल डे है, आज है मम्मी का जन्मदिन, तो मम्मी का आज बर्थडे है। तो मैंने सोचा था कि अभी सब लोगों को सरप्राइज दूंगा, आप लोगों को एकदम किसी को बताया नहीं था। कुछ लोग हैं सब्सक्राइबर में जिनको पता है और उन्होंने विशेस भी दे दी थी, मतलब कल 12 बजे ही विश दे दी थी इंस्टाग्राम पे। तो मतलब मेरे साथ जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं उन सब ने पहले ही बोल दिया था मम्मी के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आज कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उससे पहले मम्मी से मिलाते हैं। तो ये रही आज जन्मदिन बर्थडे गर्ल। हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम, कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ कि ठीक ही होंगे। और आज मेरा जन्मदिन है, आप सबसे बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देना और हमारे चैनल को यूं ही सपोर्ट करना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। बिल्कुल सही बोला। अब ऐसे ही आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा ना चैनल पे, मुझ पे, मम्मी पे, तो वही बहुत बड़ा गिफ्ट है। खाली ऐसा नहीं कि मम्मी को अच्छा मान रहा हूँ, मेरे को भी अच्छा मानना भाई। मजाक कर रहा था, ऐसा सपोर्ट तो है ही सबका यूट्यूब पे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना। मम्मी को देखते हैं, मेरे को देखते हैं, मतलब हम सबको पूरा सपोर्ट दिखाते, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज मम्मी को क्या स्पेशल चाहिए? मेरे को कुछ नहीं, क्या सरप्राइज चाहिए? सब बस प्यारे प्यारे अच्छे कमेंट करे बस, और विश करे। और कैसा लग रहा है बर्थडे गर्ल को? बहुत बढ़िया। तो लो भाई अब आप बोलो व्लॉग बना करके। हेलो दोस्तों, तो शिवम केक के लिए बोल रहा था, मैंने केक के लिए मना कर दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है केक वेक, तो मैंने कहा कुछ भी ला देना मेरे लिए, तो इसलिए मना कर दिया मैंने। आप बस जैसे पिछली वीडियो में आपने हमें सपोर्ट करा, वैसे इस वीडियो में भी सपोर्ट करना हमें और अपना प्यार देना। और आज तो यहाँ, आज और कल तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ठंडा हो रखा। अपने यहाँ के वो बताना कि आपके यहाँ भी बारिश हुई या ऐसे ठंडा मौसम है, कैसा मौसम है आपके यहाँ? वही ना, आज इतना मस्त मौसम हो रखा, ठंडा, इतनी से गर्मी से हम परेशान हो रहे थे, पंखा चलाने का मन भी नहीं कर रहा अभी तो। और मेन चीज़ पता है क्या है, मम्मी ना छत में आके वीडियो बना रही है, ऐसे शर्मा रही है कि कोई देख रहा हो, कोई क्या बोल रहा होगा। इनको इतना सिखा, इतना समझा रहा हूँ कि अगर ऐसे शर्माएंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे को देखो, मैं लोगों के बीच भी जाके वीडियो बनाता हूँ गंडा घर में, कभी कहीं कभी कहीं बिना शर्माए, तो मम्मी को भी सिखाना पड़ेगा ना। तो छत यार, लोग तो देखेंगे ही, सब बोलेंगे, और सब लोग अच्छा अच्छा ही बोलते हैं, कोई बुरा ही नहीं बोलता, वीडियो ही बना रहे हैं, कुछ बुरा काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उसमें कोई वो नहीं पड़ता। बाकी आज मम्मी का बर्थडे है, देखते हैं क्या सेलिब्रेशन करते हैं। तो खूब सारा आपको कमेंट आने वाले हैं और काफी सारी विशेस आगे होगी, बिल्कुल बहुत सारा प्यार देना मुझे। आप पता है मेन चीज क्या है, कोकिला दीदी ने भी आपको विश करा था 12 बजे ही, ठीक है, और श्रद्धा दीदी ने भी करा था, और एक और सब्सक्राइबर है वो चंडीगढ़ से हैं, मतलब जो दीदी बोलते हैं आपको, है ना, संजीव जी, तो उन सबने 12 मतलब, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतने प्यार से तुम दीदी बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, कि अपना सा लगता है, मतलब दीदी बोले कोई तो प्यार से। वही ना, और मेन चीज पता है क्या है, सबसे प्यारा रिश्ता होता है भाई बहन का, बहुत सपोर्ट करते हैं लोग ना, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। और ये भी है कि उन लोगों ने इंस्टाग्राम पे पहले ही मेरे को विश कर दिया, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कुछ भी होता है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो और वहाँ पे मैसेज कर दिया। बिल्कुल। और यहाँ पे दीदी भी आ चुकी है। हेलो दी प्रणाम, कैसे हो आप? बस बढ़िया। और दीदी भी मम्मी को विश करने आ चुकी है यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और कैसे खुश हो रहे हैं भाई, ऐसे हंस रहे ना दोनों, देखो बेस्ट फ्रेंड। और क्या, बिल्कुल ऐसा लगता है दोनों साथ के हैं, चार साल हो गए, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे से इतनी छोटी हो गई, ऐसा लगता कि बिल्कुल मेरे साथ के हैं। मम्मी कहती थी ना मम्मी को बेटी चाहिए थी, तो भाई मम्मी तो वो बेटी की कमी पूरी करती है मेरी। वही हो रखा है ना, तक इनकी बारी आती है। नहीं, उसके बाद भी, उसके बाद भी, क्योंकि जिसको जैसा माना उसको हमेशा मानेंगे, ऐसी हूँ मैं। वही ना, और दीदी भी इतनी अच्छी है, तभी तो इतना प्यार करते हैं। ऐसे ही नहीं कि, हाँ बिल्कुल। और आज देखो भाई कैसे ग्लो आ रखा है बर्थडे का, देख रहे हो? मैं कभी आई। हाँ भाई, तुम कभी आई। आप देखिए आज इतने सारे सरप्राइज देखने को मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोटद्वार से भाभी जी भी आ चुकी हैं, और वो लाइव वीडियो पे भी थी और उस दिन कमेंट कर रही थी। यहाँ पे भाभी, हेलो भाभी प्रणाम, ठीक ठाक, कैसे हो? ठीक
ठीक है। और मम्मी को सरप्राइज देने आ गएगी। आज हम सरप्राइज देने आ गए। कहाँ से? कोटद्वार से। कोटद्वार से। और क्या लाए मम्मी के लिए? आम। अभी देखते हैं क्या लाए। यहाँ देखो भरत मिलाप भी हो चुका है दोनों का। तो कितने दिनों बाद मिल रहे? सालों बाद। हाँ, सालों बाद। अभी बहुत साल बाद हमारे घर आ रहे भाई। बहुत साल नहीं, दो साल हो गए। दो साल बहुत होता है भाभी। दो साल बहुत होते हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। सही टाइम पे आ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। शिवम ने बोला कि आशी भाभी, मैंने कहा आशी भाभी कहाँ से आई? आशी भाभी हमें वीडियो बना रहा था, भाभी ने अचानक सरप्राइज दे दिया। बताया नहीं था ना, किसी को भी नहीं बताया था। अचानक से प्लान बना, 11 बजे प्लान बना, तो सरप्राइज ऐसे ही होता है ना, अचानक से बन जाए वही सरप्राइज होता है। अब गिफ्ट लेके आना मेरे लिए। दीदी खाली होता गिफ्ट चैन पर? क्या चाहिए वो बोल देना। क्या बता दे थोड़े ना, सरप्राइज चाहिए ना। देखते हैं तो क्या सरप्राइज चाहिए। हाँ। बाकी इनका हंसी मजाक चल रहा है, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं भाभी मम्मी लोग और दीदी भी आ रही है, तो तीनों मजे से यहाँ पे बातें वगैरह कर रहे हैं। हम भी चलते हैं, बाकी मेरे को बहुत सारे काम है अभी, वो पूरा करते हैं। अब देखिए आजकल मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा है, क्योंकि कल और आज बारिश लगी ना, तो बिल्कुल साफ हो चुका है, थोड़ा ठंडा ठंडा हो चुका है, मतलब राहत मिल चुकी है। यानी कि इतने दिन से ना इतनी गर्मी हो रही थी देहरादून में, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, तो उस चीज़ की खुशी हो रही है। तो हमारी चाय भी बनकर तैयार है, चाय पीते हैं। आज हम मेरे भांजे की बहू आ रखी, मतलब मेरी बहू रानी आ रखी है, तो आज देखते हैं आज क्या स्पेशल बनाते हैं खाने में। तो आप सब भी इन्वाइट हो तो आ जाना, आज जन्मदिन है तो इसलिए सबको इन्वाइट कर रही हूँ मैं। तो फिर देखते हैं खाने में क्या स्पेशल बनता है। वैसे मम्मी बहुत अच्छी खीर बनाती है, तो हमने सोचा था कि आज खीर बनाएंगे, है ना। और आप अगर आप वो भी घर के चावल के, अरे वाह, के चावल के, जो घर से चावल आ रखे थे ना उखीमठ से, तो अब क्या करेंगे, उनसे बनाएंगे खीर। तो खीर बनाते हैं और मम्मी की स्पेशल हाथों से खाएंगे तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। तो आप लोग भी कभी खाने के लिए खीर जरूर आना यहाँ पे। इनवाइट सबको किया है मैंने, तो पक्का आना, सब जरूर आना है। अभी चाय भी बन चुकी है और आज मम्मी से मैंने कोई काम नहीं करा, सारे घर के काम मैंने ही करे हैं। तो रोज ही करता है, तो आज इसको मैंने कहा स्पेशल देना, तो आज कुछ काम नहीं करना। खैर चाय वगैरह तो मम्मी अच्छी बनाती है, तो ये काम मम्मी को सौंप दिया। और जितने भी काम थे मैंने खुद ही करे हैं और रोज मैं ही करता हूँ, तो मम्मी को ऐसा लग रहा है कि क्या बड़ी बात है इसमें। रोज ही करता है ना, अगर आज ही आज करता तो तब मैं बोलती भी कि आज शिवम झाड़ू पोछा कर रहा है। मतलब आप लोग जान सकते हैं कि बाल मजदूरी कराती है मेरी मम्मी से। हाँ कह रहेगी। तो फिर दोस्तों मैंने सोचा है कि केक लेकर के आते हैं और मम्मी को सरप्राइज देते हैं। वैसे मैंने पहले बोला केक लेकर नहीं आएंगे, अब ऐसा है ना कि सब लोग आ रखे हैं, मैंने सोचा थोड़ा अच्छा लगेगा केक लेकर के आते ही हैं, मतलब सब लोग आ रहे हैं तो थोड़ा एंजॉय हो जाएगा, दीदी लोग भी, भाभी लोग भी, सब लोग। तो फिर मैंने कहा चलो फिर लेकर के ही आते हैं। और जो मैंने केक ला रखा है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया, और मतलब देखते हैं कितना टेस्टी होता है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में देखते हैं कैसा होता है। तो फिर मम्मी दूसरा रूम में है, चलते हैं मम्मी को सरप्राइज देते हैं। मम्मी आगे बंद करो, क्या है? हाथ आगे करो, क्या होगा पहले सोचो क्या गिफ्ट होगा। मुझे क्या पता, मैंने केक के लिए तो मना करा था। वो मैंने केक के लिए मना करा था, आगे खोलो। है? केक। ये क्यों लाया तो? अरे यार सौरभ भैया, मतलब जो बड़े वाले भैया हैं, उन्होंने बोला था केक लाने को, और मैंने भी सोचा केक लेकर के आते हैं। मैंने मना करा था, मैंने कहा और चीज लिया। क्या हुआ, आज स्पेशल डे है तो केक काटेंगे और अच्छा वाला केक ला रखा है, अभी केक दिखाएंगे आपको। अब देखो केक के लिए वैसे मना मम्मी ने करा था, लेकिन जो भैया उनको कॉल आया, उन्होंने बोला केक लेकर के आना, मैं भी सोचा था केक लेकर के आते हैं, तो मैं ले ही आया। तो ये केक उनकी साइड से है, जो मेरे बड़े वाले भैया हैं, मेरे से बड़े, मतलब मेरे दो बड़े भाई हैं, मेरे से जो बड़े वाले हैं सौरभ भैया, उनकी साइड से केक और लेकर के मैं आया हूँ, बाकी मेरी तरफ से और पार्टी है। लोगों को मैं केक दिखाता हूँ, स्पेशल केक लेके आ रखे हैं और बहुत ही सुंदर केक है। यहाँ देखिए भाई, बटरफ्लाई वगैरह सब लगा रखी है। यहाँ देखो कैसा है केक, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। फिर बारी भी आ चुकी है केक काटने की और सभी लोग यहाँ पर पे आ रखे हैं, मम्मी है, भाभी है, आंटी है और दीदी भी है। इसको केक नहीं मिलेगा भाई। हैप्पी बर्थडे बोल, हैप्पी बर्थडे। आंटी बोला हैप्पी, सपना चल हैप्पी बर्थडे बोल दीदी के लिए। यहाँ पे देख के बोलो, बोलो कि अब बोलो। हाँ सपना, केक का केक का मैं तो सब बोला, केक नहीं मिलेगा तुझे। हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आंटी यहाँ पर पे बोल रही है कि केक तभी मिलेगा जब सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। हाँ, है ना? नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो किसी को केक नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। बोलो दीदी हैप्पी बर्थडे बोलो। दो
बार की दोनों बार बोलना पड़ेगा ये। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कैसे काट रहे हो? हैप्पी बर्थडे डियर मीना दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मम्मी को। और यहाँ पे आंटी भी आ चुकी है, बारी है आंटी के खिलाने को खाने को खिलाऊंगी केक अपने आप ही अपने आप ही खाऊंगी दीदी को अपने आप ही खाने को मिलेगा की है। अब दीदी का तो केक ही नहीं कट रहा यार, क्या करे? पकड़ या पकड़ पकड़ मच्छी मच्छी पकड़ मच्छी पकड़ तो सोचते कौन खा लिया भलके करा तुम खिलाओ मैं अभी खा पड़ गया। सो ले हैप्पी बर्थडे। और यहाँ देखिए आंटी ने केक भी लगा दिया और दोनों ने एक दूसरे पे लगा दिया। या मेरे को क्यों लगाया तुझे? कोई नहीं मैं थोड़ी नहीं बर्थडे तो बहन तो है मेरी। दवा क्या हुआ? बारी दीदी की भी आ चुकी है। चलो भाई अरे खा लो फोटो नहीं खिंचरी। बारी पे बैठ गई दीदी। ये हैप्पी बर्थडे स्पेशल तो हो सकता है। अब मेरी बारी भी आ चुकी है मम्मी को केक खिलाने की केक खाने की। हैप्पी बर्थडे टू यू। लो भाई फेशियल भी हो गया बर्थडे गर्ल का, अब और बुरी हो जाएगी। अच्छा। अब दीदी को देखो, दीदी पे पूरा केक लग रखा है। हाँ। कैसे लग रही है दीदी? फेशियल हो जाएगी। इतना भी नहीं लगाना था ना। वही तो इतना सारा लगा। आंटी पे देखो कुछ भी नहीं लगा है। मैंने खा लिया ना। अरे भाभी पे भी कुछ नहीं लग रखा है क्या? आंटी क्या बोल रही? खा लिया मैंने। अच्छा आपने खाया? जोर लगाया था ये इधर से खा लिया। सब निकाल के खा जाएगी। आंटी बहुत कॉमेडी करती है तो किसी दिन आंटी को भी ब्लॉग में लाना पड़ेगा अच्छे से। थोड़ा याद करके आऊंगी बोला। याद करके आऊंगी पूरे दिन मान वो बोलो। एक ब्लॉग आंटी बनाएगी अब। हाँ। नया ब्लॉग आज बनाया आंटी ने ब्लॉग। ठीक है ठीक है। और जितने भी केक है सबके पीस कर दिए हैं, सब लोग खा रहे हैं। और बड़ा वाला पीस खाया आंटी के लिए। लो आंटी खाओ। ये भी बड़ा है। बड़ा खा एक, है यार ये। एक पीस और खा लेना। इतना साधु है ये। अगर एक और रख दिया इसमें तब और बड़ा। एक पीस और उठा लो बोला तब और बड़ा हो जाए। क्या बात, आंटी को केक खाने की हो रही है। आ जाए ये दे दे। लो भाई कोल्ड ड्रिंक भी पियो। अब छोटी बोतल है फिर क्या करेंगे? गरीबी आ रखेगी। घर में आ रखी है। घर में आ रखी है। घर में यहाँ आजकल बारिश हुई आंटी। घर में किस बात की? किस बात की गर्मी आंटी? गर्मी नहीं रे गर्मी। गर्मी। तो फिर भाई आज की पार्टी भी हो चुकी है, सब लोगों ने केक खा लिया है और सब लोग खुश हैं, लेकिन आंटी खुश नहीं है बोला। क्यों नहीं? मैं खुश, मैं बहुत खुश हूँ। आंटी सबसे ज्यादा खुश है। अभी थोड़ा नाचूंगी मैं, अभी थोड़ा गाऊंगी। दीदी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दीदी। अब देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लगा। अब मैंने सोचा है कि मम्मी को गिफ्ट देंगे, लेकिन अभी तो क्या है कि मैंने पिछली बार मम्मी को साड़ी गिफ्ट करी थी जब मेरी पहली सैलरी आई थी यूट्यूब की। तो जो अब आएगी ना उससे मैंने सोचा मम्मी के लिए फ़ोन लेंगे, क्योंकि पता क्या हुआ है, देखो जो मम्मी का फ़ोन है ना इसकी जो स्क्रीन है देखो ये टूट गई है और इधर से नीचे से निकल जाती है वो। मम्मी को बहुत दिक्कत होती है तो मम्मी कमेंट ही नहीं पढ़ पा रही आजकल, नहीं तो आप लोगों के सबके कमेंट पढ़ती है। तो मम्मी मेरे फ़ोन से ही सारे कमेंट पढ़ती है आजकल। तो जितने भी आप लोग कमेंट करते हैं ना प्यारे प्यारे, बहुत धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग इतना सपोर्ट और प्यार करते हैं, ऐसे अपना प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखे। बाकी फिर यार मम्मी के लिए एक नया फ़ोन ले लेंगे, देखते हैं कब तक होता। पैसा जमा करना पड़ेगा क्योंकि एकदम से नहीं ले सकता, क्योंकि अभी मैंने ना कुछ दिन पहले कूलर लिए दो दो, मतलब दोनों रूम के लिए। तो यार फिर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो फिर मतलब इतना तो नहीं हो पाता कि एसी लगाएंगे, तो कूलर ही लिया और फिर सारे पैसे उसमें ख़त्म हो गए। अब देखते हैं कब तक फ़ोन लेता हूँ, पैसे जमा करने पड़ेंगे, टाइम भी लग जाएगा। और बाकी दोनों बच्चे देखो कैसे सो रखे हैं, एक वहाँ सो रखा है एक यहाँ सो रखा है और ये बिल्कुल छिपकली की तरह सो रहा है। ऐसा मेरा टाइसन भी सोया करता था और माइक ऐसे सो रखा है भाई। हेलो जेरू जेरू और यह है माइक। तो दोस्तों खाना भी बन गया, मैंने बनाई खीर और छोले। खीर बनाई लाल चावलों की, लाल भात होता ना जो गांव का चावल, उसकी वो शिवम लाया था हमारे लिए ना। खाने की तैयारी करते, आप लोग भी आ जाओ सर खाने के लिए। और देखिए जो मम्मी ने बोला खीर, जैसे मैं आपको बता रहा था वो खीर बनी है लाल चावलों की, मतलब जो पहाड़ के घर के चावल होते ना उनसे। बाकी अभी कढ़ाई में बनाया था, बेसन बना रहे हैं। प्रेशर कुकर में रखे है ना कढ़ाई में, इसमें कढ़ाई से क्यों उठाया भाई? आधा आधा को दे दिया खाना। अच्छा तो बनाओ फटाफट, तो आप लोग भी खाओ। भाभी हमें रह गए, बाकी भाभी यहाँ पे रोटी बना रही है। तो फिर दोस्तों खाना भी आ चुका है और मम्मी ने आज बहुत टेस्टी खाना बनाया, मतलब छोले मेरे फेवरेट है। मम्मी के हाथ से खाना जो है ना बहुत टेस्टी होता है, मतलब मम्मी एक चीज है बहुत टेस्टी खाना बनाती है। मज़ा ही आ गया भाई, क्योंकि स्पेशल छोले बना रखे हैं तो और भी टेस्टी होगा और खीर के साथ तो मज़ा आ जाएगा। अभी खीर क्या है, बन तो गई है लेकिन थोड़ा गर्म है, तो थोड़ी देर में खाएंगे उसको अलग से मज़ा लेकर। खाना पीना हो गया हमारा, अब दोस्तों अब सोने की तैयारी करते हैं। और मुझे पता है आप लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करे होंगे, प्यारे प्यारे
विशेष दिए होंगे मुझे पता है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। ऐसा ही प्यार बनाए रखना अपना। कितने सरप्राइज मिले आपको आज? बहुत सरप्राइज मिले, जिसकी आशा भी नहीं थी वो भी मिल गई। कैसा लगा मतलब आज का दिन कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। तो भाई मम्मी का आज बर्थडे था और पूरा दिन बहुत अच्छा गया। मैंने सोचा था कि और अच्छे सेलिब्रेट करेंगे, उतने खास से नहीं हो पाया, बट जितना भी हुआ हम अपने फैमिली वाले लोग थे सारे, अच्छे से हो ही गया। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हो पाएगा। और भाभी भी कोटद्वार से स्पेशली मम्मी के बर्थडे के लिए आई है। सरप्राइज दिया मुझे ना, बहुत अच्छा लगा। अब एक सरप्राइज कल भी देना है जो कि किसी सब्सक्राइबर ने दिया है। अब वो सरप्राइज मम्मी के लिए है, मेरे लिए है, मतलब हम सबके लिए है। किसी सब्सक्राइबर ने कुछ भेजा है, वो कल आएगा, तो उसका व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। और कल Q&A भी आने वाला है, तो जो पार्ट सेकंड रह गया था ना वो आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस थे आपने उस जो वीडियो में बोल देना, आप सारे कवर कर लिए हैं। लेकिन अब ना लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को, तो उनको तो मैं नहीं ले पाऊंगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, बस उसको पोस्ट करना है। वो तो बर्थडे आ गया था इसलिए मैंने पोस्ट नहीं करा, तो अब अगले Q&A में होगा। लेकिन इतने सारे प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्यार, आपका प्यार ही हमारा गिफ्ट है बहुत। भाई यार मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें कोई गिफ्ट चाहिए, जरूरी नहीं होता प्यार देना, सबसे जरूरी। वही मैं कह रहा हूँ कि गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बहुत जिद करी, बोला कि नहीं है ना, दो बोल प्यार के बोल लो, वही बहुत बड़ी, तो मतलब बड़ा गिफ्ट होता है। उन्होंने इतने दिल से दिया ना, तो मना भी नहीं करा गया। वैसे मैंने बहुत बार मना करा कि नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं भाई। तो उन्होंने बोला था कि नाम नहीं लेना, लेकिन बोलता कि वैसे दीदी बोलते हैं उनको, मम्मी को, तो बोलता दीदी के लिए गिफ्ट है ये, तो अब वो आपको कल पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दिल से अपनी दीदी मानने के लिए, दीदी बोलने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दिल से बोलते हैं, मतलब खाली। और यही नहीं है कि केवल आप गिफ्ट देंगे तभी रिश्ता बढ़ेगा या तभी आप हमारे सब्सक्राइबर कहलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल वो बात नहीं है। अगर दिल से अपना माने वही गिफ्ट होता है, वही बड़ी बात है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट इतना कुछ है, तो कोई गिफ्ट बड़ी चीज नहीं होती। लेकिन फिर भी ये है कि कोई दिल से दे रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों कुछ दिन बाद मैं नई ट्रिप पे जाने वाला हूँ, और वहाँ जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब नए ब्लॉग आने वाले, बिल्कुल अलग अलग तो क्या ही, मतलब बिल्कुल नई जगह है देखने के लिए, जहाँ मैं पहले बहुत बार गया हूँ लेकिन ब्लॉग में कभी नहीं दिखाया है। मतलब मैं पहले बचपन में बहुत बार गया हूँ वैकेशन में वहाँ पे, और जाएंगे और आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे वहाँ पे। और वहाँ से काफ़ी लोग मेरी वीडियोज़ भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो गेस करिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूं। चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में या राइट में क्लिक करके जा करके ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो हमारी दोस्त क्या कर रहे हैं यार? तो चाय बन रही है और बोला भी नहीं जा रहा है। हाँ। और क्या स्पेशल चाहिए मम्मी को आज? क्या बनाने बताओ, आज घर के सारे काम मैंने करे, भाई मम्मी को कुछ काम नहीं करने दिया। क्या करा? हैप्पी बर्थडे टू यू, सपना दी बोलो, सपना बर्थडे टू यू। कोई नहीं, मैं थोड़ी नहीं बर्थडे, तुम बहन तो है मेरी, क्या बात, मैं थोड़ी नहीं बर्थडे, जन्मदिन तो आपका है, तो कितने साल हुआ आज, कितने साल हुआ बताओ, बताते सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कितने साल के हुए, कितने साल के हुए लेडीज नहीं बताते, तुझे पता नहीं है, ये बोला कि पता ही नहीं मुझे। और मम्मी ने भी कर ली पार्टी, हैप्पी बर्थडे मैं बोल रही, अस्सी बम की तरफ हैप्पी 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 जा रही है बोला अपने बच्चों के लिए। और क्या, थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा एक से पूरा नहीं हुआ दूसरा दीदी लेके जा रही सचिन के लिए, दीदी सचिन के लिए लेके जा रही है बोला।